हमारे TV11 न्यूज चैनल के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए। आदाब नाजरीन, TV11 के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद हबीब। शहर हैदराबाद में रहमत व जहमत की बारिश। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से रियासत तेलंगाना और खसूसा शहर हैदराबाद शिद्दत की गर्मी से दोचार है। गर्मी की शिद्दत ने पूरे शहर को इस कदर अपनी चपेट में ले लिया है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि चरिंदो परिंद भी गर्मी से परेशान हैं और शिद्दत प्यास से बेहाल हैं। गुज़श्ता शाम की बारिश लोगों के लिए किसी रहमत से कम नहीं थी। बारिश से लोगों के मुरझाए हुए चेहरे खिलखिला उठे और उन्हें चिलचिलाती हुई गर्मी से कुछ राहत मिली। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू पर गौर किया जाए तो यह बारिश जहां रहमत बनकर आई तो वहीं दूसरी तरफ जहमत भी साबित हुई, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे की बारिश ने GHMC की पोल खोलकर रख दी। बारिश से कहीं बिजली के तार गिर गए तो वहीं जगह जगह जलभराव की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शहर के बेशतर इलाकों में गटर का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगा, जो कि GHMC के बड़े बड़े वादों पर पानी फेरने के लिए काफ़ी था। साथ ही तकरीबन 6 घंटों तक बिजली की कटौती ने लोगों को बेहाल कर दिया और उनकी फरियाद सुनने के लिए न तो GHMC का कोई अफसर आया और न ही आवाम का हमदर्द कहने वाला कोई नेता उनकी हाल दरियाफ्त करने के लिए आया। अब ऐसी हालत में आवाम जाए तो कहाँ जाए, और जब शहरी इलाकों का आलम यह है तो देही इलाकों का अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकते हैं। साथ ही यह बारिश इंतखाब के दौरान हमारे लीडरान के झूठे वादों का पोल खोल रही थी। हमारे लीडरान इंतखाब आते ही वोट की खातिर लोक लुभावन वादे करके गद्दी तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अमली मैदान में उनका कारनामा सिफर का सिफर ही रहता है। इसलिए देश और खसूसन रियासत तेलंगाना के आवाम से यह गुजारिश है कि आइंदा इंतखाबात में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल लीडरान के कारनामों की बुनियाद पर करें, न कि उनके वादों की बुनियाद पर। TV11 खसूसी रिपोर्ट। మా TV11 న్యూస్ ఛానల్ వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. नाज़रीन, ये थे आज की उर्दू खबरें। तेलुगू और उर्दू खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पॉलिटिकल पंच और क्राइम न्यूज के लिए और खसूसी प्रोग्राम के लिए देखते ही रहिए TV11। मैं हूँ सैयद हबीब, मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।